हे गाइस वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं खेलने वाला हूँ दोबारा से एड फाइट 2 और आज हम लोग एक्ट 3 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत देर हो गया एक्ट 3 में भी रहते रहते। हम लोगों को टूर्नामेंट का 5 लेवल तक मतलब 5 टूर्नामेंट बचा है, ये 20th वाला है टूर्नामेंट। इसको फटाफट हराते हैं और नेक्स्ट टूर्नामेंट हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। पर अभी इनसेन आ चुका है, इसके बाद वाला जो होगा वो इम्पॉसिबल आएगा। तो हम लोग को एक बॉडीगार्ड को भी हराना पड़ेगा और कुछ चैलेंजेस भी जीतना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का जब नया वेपन खुलेगा तो हम लोग के लिए टूर्नामेंट पार करना थोड़ा आसान होगा। फिर हम लोग टूर्नामेंट जीत के फाइनली गाइस ये वाला भी जो हम लोग बुचर को हराने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज का लाइक एम है 25, तो गाइस करवा देना। मेरे को पता है अगर जो बंदे ये देख रहे हैं भाई बस लाइक का बटन को ब्रश करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है तो करवा सकते हैं आप लोग, करवा देना प्लीज़। तो चलो हम लोग ये बंदे को हरा दिए फर्स्ट राउंड में और देखते हैं हम लोग जो सेकेंड राउंड में हरा पाते कि नहीं। मैं ब्लड रीपर के साथ खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसका ऊपर अच्छा कंट्रोल है और इसका भाई एक्शन बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है, इसीलिए मेरे को डेथ रीपर वापस ब्लड रीपर मैंने यूज़ करा क्योंकि डिवेस्टर जो मेरे को पिछला एपिसोड में मिला था, अगर आपने वो एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो वो मेरे को मूव करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, मेरा मूव करते करते ये बंदा मेरे को मार दे रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जिस वेपन का ऊपर मेरा होल्ड है और वो लॉन्ग रेंज में अच्छा मार सकता है ब्लड रीपर तो हम लोग उसी से फाइट करते हैं। तो फाइनली 3 बॉसेस जो बचे हैं उसमें से ये रेड हेड को हराते हैं पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग जाएंगे और टूर्नामेंट का मैचेस कंप्लीट करने, फिर जब हम लोग का नया वेपन खुलेगा गाइस तब हम लोग तबाही मचाने वाले हैं। तो फटाफट से इसको हराते हैं। यहाँ पर मेरा कॉम्बो मूव से ये बच गया है, कैसे थ्रोएबल से, मेरे को थ्रोएबल भी चेंज करना था पर यहाँ पर मेरा एक कॉम्बो मूव लगा फाइनली। और ब्लड रिपर का गाइस यही वाला मूव मेरे को अच्छा लगता है, इसका पीछे से भी मार सकते हैं आगे से भी मार सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मूव्स रहता है इसमें कि आप जैसे मैंने उसको वैसे यूज़। ओह शिट यार मैजिकल पावर से बच गया मेरा, पर कोई नहीं हम लोग अभी जीतने वाले हैं क्योंकि हम लोग का पूरा रेज एग्रेसिव में चल गया है। बस इसको और एक कॉम्बो लगने का देरी है फटाफट से। अरे यार ये पूरा कॉम्बो, ओह भाई कॉम्बो मेरा डिफेंस से ये रोकने का कोशिश किया पर इतना कम हेल्थ बचा था कि वो डिफेंस से रोक भी नहीं पाया। तो देखते गए हम लोग सेकेंड राउंड में हरा पाते कि नहीं। और गाइस ये हम लोग कोई हार्ड इजी या नॉर्मल में नहीं लड़ रहे, हम लोग इसे इम्पॉसिबल में लड़ रहे हैं। तो अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इम्पॉसिबल में बैटल्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये सेकेंड राउंड जीत पाते कि नहीं। वैसे मैं अपना पूरा फुल देने का कोशिश कर रहा हूँ, इसका ज़्यादा एच पी बचा भी नहीं है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में एक कॉम्बो लग गया था इसको। तो देखते हैं कितना थोड़ा सा एच पी बचा है, इसको हरा पाते हैं कि नहीं हम लोग। ओहो भाई ओपी शॉट, क्या गजब ये वाला शॉट, मेरा जनरली लगता नहीं किसी बंदे को पर इसको लग गया भाई और हम लोग जीत गए, इतना ऑसम विन, मेरे को तो खुशी हुआ भाई। और 5000 हम लोग को यहाँ से एक्सपी मिला पर दिक्कत तो अभी हम लोग 17 में अटके हुए, हम लोग का प्रोफाइल अपग्रेड नहीं होगा और ये इतना खतरनाक चैलेंज है गाइस। इसको ये चैलेंज को पार करने में मेरे को 10-12 गेम प्ले लग गया क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ फुट दिया भाई, बस हम लोग अपना लेग यूज़ कर सकते हैं, ना मैजिकल पावर, ना थ्रोएबल, ना पंच, भाई ब्लॉक भी करने में हम लोग को दिक्कत होता है इतना बात की पूछो मत क्योंकि किक करने समय हम लोग पूरा ओपन रहते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको हरा पाते कि नहीं। तो इसने भाई थ्रोएबल मार के देखो इसके साथ लड़ने में कितना डिसएडवांटेज है यार, कितना चैलेंज बोल के लोग कितना अनफेयर करते हैं। हम लोग बस किक कर सकते हैं और अपना वेपन ये थ्रोएबल मैजिक सब यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको किक से ही हराएंगे, चिंता मत करो, और हम लोग इस वाले टूर्नामेंट को जीत के अपना वेपन अनलॉक करेंगे नया वाला, फिर टूर्नामेंट में हम लोग जाके तबाही मचाएंगे गाइस। ये वाला चैलेंज तो खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आपने ये खेला तो कमेंट में ज़रूर बताओ आपने इसको पास किया है कि नहीं। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, देखो हम लोग एग्रेसिव में पहुंच गए हैं, देखते इसको हरा पाते कि नहीं। इसको थोड़ा क्लोज जाके मेरे को हमेशा फाइट करना पड़ेगा क्योंकि किक लॉन्ग रेंज आप तो मार नहीं सकते, आपके पास थ्रोएबल भी नहीं है, पंच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैजिक तक हटा दिया गया भाई। और यहाँ पर मेरा बैंड बाजा बजते हुए इसका थोड़ा सा भी बचा और इसने मैजिक यूज़ कर दिया। शिट यार आजा भाई सामने आजा, मैं तो तेरा वेट कर रहा था इसको, रुको थोड़ा हम लोग को घूम घूम के मारना पड़ रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अरे नहीं यार ये वेपन यूज़ कर दिया, शिट गाइस इसका कितना कम था भाई, इसने वेपन यूज़ कर दिया, ने तो अभी इसको हरा देते भाई। फुट से फाइट करना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलो हम लोग का फर्स्ट हिट तो लग गया, इसको फिर से हराने का कोशिश करते हैं। और भाई ये दूर भाग रहा है, इसको मतलब गेम भी ऐसा डिज़ाइन करता है ना, अगर आपको एक मार्क में रहने का दिया रहेगा तो वो बंदा, ओ भाई इसका वेपन गया भाई, गेम भी अपने आप मतलब कंप्यूटर भी अपने आप को एडजस्ट करता है और कितना मतलब बेस्ट पॉसिबल मूव कर सकता है, जितना इंसान नहीं कर सकते उतने ज़्यादा तो
आजकल ये AI कर सकते हैं तो भाई उससे फाइट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर कैसे ना कैसे मेरे को इसको हराना ही है, क्योंकि अगर मेरे को 18th लेवल पे जाना है तो इसको तो हराना ही पड़ेगा, तभी हम लोग का नया वेपन भी अनलॉक होगा। फिलहाल इसको यहाँ पर एक हेडिट दिया और इसका HP बहुत ज़्यादा कम हो गया, पिछले बार भी ऐसे कम हो गया था, पर इस बार मेरे को लग रहा है कि मैं जीत सकता हूँ। और एक हेडिट लगा भाई मस्त, ले भाई 3 राउंड 3 कॉम्बो भाई लेग से पहली बार मारे और इसको हेडिट मार के ख़त्म किए। अच्छा हुआ इसका वेपन गिर गया था, नहीं तो मेरा इस बार बैंड बच जाता। और कितना ज़्यादा लंबा जा रहा बैटल्स आप देख रहे हो गाइस, 50 सेकंड लग गया मेरे को इसको हराने में, तो देखते हैं अब हम लोग इसको सेकंड बैटल में कितना हर जल्दी हरा सकते हो भाई। अभी ये वेपन मेरे को लगता है तो मेरा खेल ख़त्म था, सही टाइम में सही किक लगा और ये वाला किक मैंने नया सीखा गाइस। बहुत ज़्यादा ऑफेंड तो नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जब मैं कोशिश करता हूँ करने का नहीं होता, पर कभी कभार हो जाता है। चलो ठीक है, कभी कभार तो होता है, तो इसके सामने जाते हैं, रुको। और ये भाई बच गए, कितना सही बच यार, हेडिट मार दिया इसकी भैंस की टांग, रुको और एक हेडिट खाओ भाई क्रिटिकल वाला, और ये एक हिट से बच गया। ओ वेपन यूज़ कर रहा था फिर मैंने की मार के रुक दिया यार, इसका वेपन नहीं लगना चाहिए, लगी गया आखिर कॉम्बो इसका शिट। ओ भाई गंदा मार रहा है ये, तो ये वाला अगर हम नहीं जीते ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, कि फर्स्ट राउंड हारने के बाद सेकंड राउंड में इतना मस्त कमबैक की। और ये वेपन से बच्चे भाई, शिट यार मैजिकल पावर इसने यूज़ कर मेरा HP इतना कम कर दिया, देखते हैं हम लोग जीत पाते कि नहीं गाइस, जिसका इतना डबल HP बचा हम लोग से, और हम लोग का बराबर हो गया HP, बस थोड़ा सा प्लीज़ भाई हार जा थोड़ा सा। ओ भाई हम लोग को टाइटल मिला है, देखो फीट पावर भाई ग्रेट कर दिया हमने, मेरे को बिल्कुल होप नहीं था कि ये ना मैच हम लोग जीत पाएंगे, पर फाइनली गाइस हम लोग जीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। चलो अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया यार, क्या कर रहे हो। तो फाइनली अब हम लोगों को नेक्स्ट बैटल में जाने के मिलेगा, कितना ज़्यादा देर अटके हुए थे हम लोग इस बैटल में मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैजिकल पावर जो इसमें कुछ रिलेटेड था टिप्स, अगर मैजिकल पावर उसने मेरे पे यूज़ किया इंस्टेंटली मेरा हेल्थ लो हो जाएगा और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अब देखते हैं वो लॉइस पावर भी अप्लाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अपना हम लोग ब्लड ट्यूबल यूज़ करते हैं और ये मैंने फर्स्ट एड भाई, इसको कितना ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं हम, इतना कम कट रहा है इसका पता नहीं क्यों। चलो का मैजिकल पावर तो हो गया है, देखते हैं इसको मैजिकल पावर। अरे भाई रुक जा, इतना गंदा मार रहा है यार, मैजिकल पावर भी मेरा वेस्ट कर दिया, शिट यार बहुत ज़्यादा गलत कर दिया मेरे को लगता है। ओ भाई इसकी भैंस की टांग, बहुत गंदा मार रहा है गाइस मेरे को, इसका तो हेल्थ ही नहीं कम हो रहा। देखो मेरे 1 HP बचा हुआ है, ये पूरा एग्रेसिव हो चुका है, मैं भी पूरा ब्रूटल हो चुका हूँ और इसने मेरे को अपना मैजिकल पावर यूज़ करके हरा दिया। पर एक अच्छा बात हुआ है कि हम लोग का मैजिकल पावर फिर से फुल हो चुका है, आप हम लोग स्टार्टिंग में मैजिकल पावर यूज़ करके देख सकते हैं। ओ भाई एक स्ट्राइक में परफेक्ट कर दिया मैंने, मेरे को मैजिकल पावर एकदम परफेक्ट सही टाइम पे करना बस इसको, और हम लोग जैसे ही मैजिकल पावर करेंगे इसका भी हेल्थ पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। इसने पिछले बार लास्ट में जैसे किया था तो मेरा हेल्थ एकदम कम ही था, तो ऐसे भी कम हो गया। देखो मैं इसको जितना भी कॉम्बो मार दूँ उसको एकदम कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा, बस हम लोग का मैजिकल पावर फुल होने का वेट करना और हम लोग का हो गया, बस इससे थोड़ा अब दूर जाना है, थोड़ा फ्लिप बैक करते हैं, अब मैजिकल पावर यूज़ करते हैं और इसको पूरा हेल्थ गया। गाइस ये रूल सही था भाई, चैलेंज हो तो दोनों कॉम्पिटिटर को चैलेंज फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि भाई मेरे को खाली फीड यूज़ करना है उसको सारा वेपन्स और सब कुछ देते रहो, यार गलत करते हो, ये ठीक था भाई। दोनों अगर मैजिकल पावर कोई भी यूज़ करेगा दोनों में से तो अगला अपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे को बड़ी अच्छा लगा। अभी भी हम लोगों का 18th लेवल नहीं हुआ है, तो देखते हैं हम लोगों को नेक्स्ट चैलेंज किसको किससे मिलने वाला, क्योंकि हम लोगों को टूर्नामेंट में तो अभी हम लोग फाइट कर नहीं सकते, कि हम लोगों का वेपन और आर्मर इतना कम है कि एक मूव से हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि वो इम्पॉसिबल आ चुका है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हम लोगों को टूर्नामेंट में जीतना, मतलब नेक्स्ट मतलब इम्पॉसिबल ही है, जीत ही नहीं सकते हम लोग ऐसे, तो हम लोगों को पहले चैलेंज में ही हराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग टूर्नामेंट का सोच सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हेल कैट को मैंने अच्छा कॉम्बो लगाया है भाई, जब जब बोले ना गेम को हेल दिखाना रहता है तो मेरे को हेल कैट से मुकाबला करवा देते हैं लोग, पर ठीक है इस बार तो हम लोग थोड़ा इसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और ये हेडिट भाई परफेक्ट कर दिया मैंने, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इसको इतना ज़्यादा जल्दी परफेक्ट कर पाऊँगा, पर ठीक है हम लोग सेकेंड राउंड में इसको हराना है, देखते हैं। इसका थोड़ा एजिलिटी से मेरे को डर लगता है यार, इतना ज़्यादा उछलती कूदती है ना इधर से उधर, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। चलो ठीक है, पर हम लोग यहाँ पर 1 राउंड जीत चुके हैं, सेकेंड राउंड भी आराम से हम लोग जीतेंगे, उसके बाद हम लोग को नया वेपन होपफुली मिल जाए उसके बाद भाई। यहाँ जब आप ओ ये कॉम्बो सही लगा और मेरा मैजिकल पावर भी लग गया भाई, बच नहीं पाई इस बार ये, और ये ड्रॉप क्रिक लगते हुए और थ्रोएबल मेरे को मार मार के ख़त्म ना कर दियो यार, रुको मेरे को थ्रोएबल यूज़ करने दो, और उसका भी थ्रोएबल लगा पर उसका 1 HP बचा हुआ था, मेरा थ्रोएबल लगा और वो ख़त्म गाइस, थैंक गॉड।
दिस बैटल्स आर वेरी इंटेंस। और बॉडीगार्ड को जब हम लोग हराए थे मेरे को 5000 पॉइंट्स मिला था। ओह फाइनली गाइस अपग्रेड हो गया हम लोग 18 लेवल पे, हम लोगों को नया वेपन मिलने वाला है, वो तो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्मर और वो सब अपग्रेड हो जाएगा, तो अब हम लोग टूर्नामेंट में जाके टूर्नामेंट पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो बॉडीगार्ड दो बच रहे हैं उनको भी जाके ख़त्म करेंगे। तो गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम लोग को ये टूर्नामेंट, मतलब ये वाला वेपन मिल रहा है फैंग जिसका नाम है, और आगे का मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी क्या था। फटाफट से अपना वेपन्स और आर्मर्स अपग्रेड करते हैं और चलते हैं टूर्नामेंट में गाइस, बैंड बजाने दूसरे प्लेयर्स का। एक्ट 3 हम लोग आज कंप्लीट करना ही है किसी भी हाल में, फिर हम लोग को एक्ट 4 एक्ट 5 एक्ट 6 भी बहुत ज़्यादा यार टाइटन से भी लड़ना है, तो देखते हैं हम लोग का क्या सीन होता है। फिलहाल यहाँ पर तो सब कुछ मैंने अपग्रेड कर लिया, लगभग बस मैजिकल पावर बचा हुआ है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग फुली अपग्रेडेड हो चुके हैं, अब हम लोग टूर्नामेंट में जाके बिल्कुल बैंड बजा सकते हैं सबका एकदम। अब एकदम भाई मेरे को वेट ही नहीं करना, हम लोग लगातार फिर से हेलकैट अभी इसको हराए थे भाई। चलो ठीक है टूर्नामेंट में अभी नॉर्मल है तो हम लोग शायद जीत जाए, इसका वही दिक्कत है गाइस मेरे को, इसका एकदम उछलती कुछ नहीं, जैसे बहुत दिमाग ख़राब होता है। और मेरे हाथ में नया वेपन है, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को पूरा कंट्रोल मिलेगा इस वेपन का। ओ भाई अच्छा ये, ओ इसका कॉम्बो कहाँ घूम रहा है भाई, ये वेपन घुमाने में बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है भाई इधर से। ओ बम ब्लास्ट हुआ, देखा गाइस आपने, गजब है। इसका नीचे मेरे को बम का साइन तो दिखा था पर मेरे को समझ भी नहीं आया था वो किस चीज़ के लिए है, मेरे को अभी समझ में आ गया। और थ्रोएबल्स का गेम खेल रही थी, चलो ठीक है यहाँ पर उसने, ओ भाई ये खतरनाक एडिट मारा और फिर से बम फूटा और ये ख़त्म भाई। बम का साइन बना हुआ था, मेरे को नहीं पता था इतना अच्छा एन्चेंटमेंट होगा उसमें लगा हुआ। सही वेपन मिला भाई, डैमेज भी सही है और बम भी फूट रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चीज़ मिली है मेरे को लगता है। ओए रुक जा, पर वही है इसका भी घूमने का टाइम डिवास्टर जैसा है, मतलब इसका कॉम्बो आप यूज़ करने के लिए आपको अपोनेंट एक जगह पे खड़ा रहना चाहिए, पर यहाँ पर इसने मेरा कॉम्बो ही रुक दिया, पर बम जो फटा उससे मस्त गिरी है। चलो ओह शिट, हम लोग थोड़ा मुश्किल में होते हैं यहाँ पर। और हम लोगों का ये फैंग गजब है भाई, गजब है भाई गजब है। और हम लोग ने मैजिकल पावर से ख़त्म किया इसको, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं 22nd लेवल पे। 21st था कि सेकेंड था, देखना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता इस एक्ट में और हम लोग का लेवल अपग्रेड होने वाला है। हाँ हम लोग 22nd लेवल पे पहुँचे, 23rd नहीं 22nd। तो हम लोग को तो यही लास्ट वाला वेपन है, मतलब इसी से हम लोग को बूचर से भी लड़ना पड़ेगा। थोड़ा इसे हम लोग ये ले लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते, चलो इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं 24th लेवल के टूर्नामेंट पर, क्योंकि ये सब तो मैं आराम से जीत ही जाऊँगा। उसके बाद हम लोग को बूचर और उससे भी लड़ना है भाई। ओह भाई क्रिटिकल, ओह भाई भाई जब तक बम फूट जा रहा अपोनेंट के ऊपर, मस्त है भाई यार, थोड़ा ज़्यादा तारीफ कर दिया लगता है वेपन का। जब जब हम तारीफ करते हैं तब तक मेरा वेपन काम करना बंद कर देता, पर फिलहाल यहाँ पे इसको हरा दिए एयर अराउंड का। बाद हम लोग डायरेक्ट 24th लेवल पे खेलेंगे, मतलब हम खेलेंगे 23rd लेवल, बस स्किप कर लेंगे उसको, क्योंकि हम तो आराम से जीत ही जाएंगे 24th लेवल में, जो मेन है उसको हराना है। और फिर दो बॉडीगार्ड भी यार, ओह शिट ये गलत मारा मैंने भाई, वो जंप कर रहा था उसके बाद ही फैंक। अच्छा भाई फैंक उतना बुरा भी नहीं है, मेरे को लग रहा था इतना ज़्यादा घुमाने का टाइम रहता है। देखो यही वाला कॉम्बो गजब है गाइस, बहुत ज़्यादा ऑसम है। यहाँ पर मैंने इसको एकदम चांस नहीं दिया और दोनों बैटल आराम से जीत लिया। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं 24th लेवल पे, और यहाँ देखो हार्ड हो गया यार नॉर्मल से, देखते हैं हम लोग इसको हरा पाते कि नहीं। और कौन आने वाला है 24th लेवल पे, कट थ्रोट भाई, बस इसका कॉम्बो से बचना है मेरे को। इसका कॉम्बो इसने घूम घूम के मारता है ना, बहुत गुस्सा लगता है, उसका आधा से ज़्यादा एच पी ले जाता है। चलो देखते हैं हम उसको हरा पाते कि नहीं। होपफुली अपना नया वेपन जो बॉम्ब वम फोड़ रहा है भाई, तबाही मचा रहा है ये भी, ये मेरा फेवरेट वेपन में शामिल हो गया गाइस। और ये मैंने ओ गाइस बॉम्ब फूटा और इसका आधा एच पी, कतई जहर वेपन है भाई, बहुत मस्त वेपन है फैंग भी। और यहाँ पर मैंने एक हिट मारा और ये ख़त्म भाई, 24th लेवल है सीरियसली, आर यू किडिंग मी भाई, 24th लेवल में इतना आसानी से मैंने इस बंदे को हरा दिया, क्या ऑसम वेपन है यार। ये मेरे को पहले क्यों नहीं, ओ भाई बम जहाँ तहाँ पड़ जा रहा, मैं कंट्रोल भी नहीं कर रहा हूँ और बम आराम से पड़ जा रहा मेरे को। ओ भाई मेरा मैजिकल पावर क्यों वेस्ट किया इसने, इसका ज़्यादा एचपी था। ओ मैं सोच रहा था थ्रोबल मार के इसको ख़त्म करूँ, बम ही फट गया, ख़त्म हो गया। चलो ईजी बीजी गाइस, 24th लेवल एक्ट 3rd का 24th लेवल भाई, सबसे इजी 24th लेवल था अभी तक मेरे एक्ट 1 और एक्ट 2 का, तो बहुत मज़ा आया। चलो अब चलते हैं, अब हम लोग
रिप्लेस तो हम लोग खेलने वाले हैं, तो हम लोग का एक्ट फोर खोलने के लिए हम लोग को बुचर को हराना पड़ेगा। फाइनली गाइस मोमेंट आ गया है जब हम लोग को बुचर को हरा के उसको तबाह करना है, और हम लोग देखते हैं ये फैंग्स उसको हरा पाते कि उसका बिग वाला स्वॉर्ड ज़्यादा खतरनाक है। इसके पास भी रिपर है, ब्लड रिपर, ओ भाई इसका नाम भी रिपर है, इसके हाथ में ब्लड रिपर भी है, तो देखते हैं हम लोग उसको हरा पाते इससे कि नहीं। फैंग्स से अपना या मेरे को वेपन चेंज करने का जरूरत है, क्या लगता है गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताना पॉज करके वीडियो। तो फिलहाल थोड़ा कुछ ज़्यादा दूर दूर हम लोग नहीं खड़े, मेरे को लगता है मेरा शिट मेरे को लग ही रहा था कि मेरा थोड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर खड़े हुए थे और मेरा फैंग उसके तक पहुँचा ही नहीं, और उसका मेरे को पता था ब्लड रिपर की वो चेन वाला यूज़ करके बहुत दूर फेंकने वाला है। भाई रुक जा, कितना गंदा मारा गाइस, मेरे को लगा था हम फैंग्स आराम से जीत जाएंगे, जबकि मैंने 24 लेवल इतना आसानी से खेल लिया। पर अब हुआ एक्शन बिगिन यार, वाओ वाओ भाई क्या ऑसम, क्या गाइस तबाह कर दिए इसको। अभी 2 सेकंड पहले हम हार रहे थे, अभी 2 सेकंड पहले एक कॉम्बो लगने के बाद ये ख़त्म हो गया भाई। डिस्ट्रक्टिव वेपन, इट इज़ नेक्स्ट लेवल गाइस, नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पर दोनों को थोड़े लग गया यार, ये गलत है। और यहाँ कूदने का कोशिश में मेरा एक कॉम्बो का मूव लगा, और यहाँ दोबारा भाई तुमसे ना हो पाएगा, हम तो ये आराम से, ओ शिट थोड़ा ज़्यादा बोले क्या, एक मूव बस लगने का दे रही है गाइस। ओ मेरा हाथ गया वेपन, मैं हार गई, कहीं हार ना जो भाई ले थ्रोएबल का, थोड़ा मेरे को रुको घूम के मार दो एक पंच, एक ही HP बचाओ इसको थोड़ा। अरे यार लो थ्रोएबल खाओ, खत्म गाइस खत्म। अब हम लोग फाइनली बस बुचर को हराना है और कुछ नहीं। नो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, भाई साहब टाइटल्स भी गजब मिल रहे हैं। सो गाइस फाइनली आज मैं एक्चुअली शैडो फाइट हुआ, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ बुचर को हरा के। तो देखते हैं किसको कितना ज़्यादा गंदा तरीका से हराने वाले। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब फैंग के साथ बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ब्लड रिपर के साथ जितना हाई रहता है उतना ही, और इसका जो बम ब्लास्ट होता है बीच में जो गाइस बहुत ऑसम है। बस इसको देखते हैं हम लोग कितना मौज तरीका से हरा सकते हैं। भाई कितना खतरनाक मारा भाई, मोटा हो गए, बैक फ्लिप कैसे मार रहा है इतना, कोई नहीं गाइस बस यही कॉम्बो मेरे को चाहिए था, बस पूरा लगा नहीं, एक हिट रुक के रुक गया आपका, ठीक है बम जो ब्लास्ट हुआ उसके वजह से थोड़ा डैमेज मिला। आ जाओ भाई, नहीं था कुछ, हेड हिट मार के मैंने ख़त्म कर लिया भाई 16 सेकंड्स बुचर को हराने में, तो ज़्यादा इजी नहीं हो रहा है। मेरे को नहीं लग रहा था कि बुचर को इतना आसानी से मैं हरा पाऊँगा भाई, ज़्यादा बोलने से यही होता है, ज़्यादा जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ तब मेरे साथ यही होता है उस समय। ओ शिट दैट्स अ प्रॉब्लम गाइस, मेरा मैजिकल पावर डॉज कर दिया और मेरा कॉम्बो भी लग नहीं रहा है यार, रुक इसके डांग इतना ये इतना घूम कैसे रहे इतना मोटा होके, हाँ इधर से उधर बताओ मेरे को कोई, भाई कितना कम डैमेज, ओ बम फूटा, अब भाई बम फूटने के बाद डैमेज हुआ इसको, इतना कम डैमेज कैसे पड़ रहा था भाई मैं सोचूं। ओ भाई इसका मैजिकल पावर क्या है, इतना पीछे ढकेल लिया, मेरा 1 HP बचा हुआ है यार, ये यार कॉम्बो लग जा कॉम्बो लग जा, थोड़ा सा भाई थोड़ा सा बचा हुआ है, रुक जा लग इसकी पहुँच गया। ओ शिट हेड हिट मार दिया यार, एक बैटल ये जीता एक बैटल मैं जीता राउंड 3, देखते हैं ये डिसाइडिंग बैटल है कौन जीतने वाला। तो पहले मैजिकल पावर रिवेट कर, बच गया भाई, चलो ठीक है, यहाँ मेरा कॉम्बो तो लगा, थोड़ा सा डैमेज तो पड़ा इसको, बम नहीं फूटता बात गाइस, हर बार हम लोग बम के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, कभी कभी फूटता है, अपना मन रहता है उसका भाई, मेरे को अपना मूव्स दिखाना पड़ेगा। और ये गंदा पड़ा भाई एडिट, मैच की टांग रुक जाओ, थ्रोएबल मारोगे इधर, ओ भाई गजब अपना टाइमिंग है बम का भाई, गजब टाइमिंग है, जब दम फूट जाता है। पर ये तो है भाई, ये वेपन ओपी है, कुछ भी बोलो ये वाला लगता तो बहुत गंदा लगता। हम लोग का मैजिकल पावर हो गया, पर हम लोग ने इसको ऐसी हरा दिया है, फाइनली हम लोग 3rd राउंड जीत गए, ये फाइनल राउंड होने वाला 4th राउंड। जैसे कि आपको पता हो कि कोई भी बॉस को आपको 3 राउंड हराना पड़ता है, उसके बाद ही आप जा सकते हो उसको, मतलब आप विनर माने जाओगे। अगर ये राउंड में टाई हो गया तो हम लोग को और एक मैच होगा, ओह शिट। पर कोई भी करके हम लोग को ये मैच जीतना है, ये पहला बॉस है जिसके साथ हम लोग 4th राउंड कर रहे हैं भाई। हर्मिट तक को हमने 3 राउंड में ही हरा दिया था, एक भी मैच एक्स्ट्रा किसी के साथ नहीं खेले, चलो ठीक है इसको। ओ भाई 1st राउंड में तो गंदा आ रहा था, 2nd राउंड में थोड़ा मेरा बैंड बजाया, पर 3rd और 4th राउंड में, ओ भाई ये क्या था भाई साहब, ओ कतई जहर भाई, भूकंप ला दे रहे भाई साहब पूरा, इसका थोड़ा सा HP बचा हुआ है,
ओह ये किक बच गए, नहीं तो अभी मैं खत्म था भाई। थोड़ा सा एचपी बचा हुआ, मर जाओ यार। ओह गंदा थ्रो अभी मारा, मैं कहीं मरने जाओ यार, डर लगा। फिर से भूकंप लागे, मेरे को गिरा दिया भाई। एचपी देखो मेरा, ओ भाई एक एचपी। थ्रोएबल मार के इसको खत्म कर, फिर से जंप कर दे भाई। कितना अनलिमिटेड मैजिक है इसके पास क्या। थ्रोएबल मार के खत्म किया, फ्रेश मीट का टारगेट मतलब सॉरी टाइमर मिल गया। तो सके सो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही। हम लोग ने एक्ट 3 फाइनली खत्म कर दिया पूछो को हरा के। अब आपसे मिलते हैं एक्ट 4 में डायरेक्टली। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपको मज़ा आया कि नहीं। और अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।